शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना ये तो एक वायरस है, मगर इसने ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी छीन ली है। कोरोना संक्रमण ना बढ़े इसके लिए पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन के चलते सभी दुकानें प्रतिष्ठान बंद है। इतना ही नहीं, युवाओं में जिसका ज्यादा क्रेज है वो है जिम, वो भी बीते 2 माह से बंद है। आज के युवा खुद को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं। शहर में बड़ी संख्या में जिम है और उसमें बड़ी बड़ी महंगी मशीनें भी है, मगर अब ये सब सूना पड़ा है। लॉकडाउन में जिम को बंद रखने का निर्णय सरकार ने लिया और ये कब शुरू होगा ये भी पता नहीं। अब शहर के जिम मालक, कर्मचारी और जिम प्रशिक्षक जिम खोलने की मांग कर रहे हैं। कोरोना के पार्श्वभूमि पर जहां सभी व्यवसाय ठप पड़े हैं, वहीं सेहत को लेकर भी एक मामला उजागर हो सकता है। जी हां, बात कर रहे हैं जिम व्यवसायियों की। इनकी भी अपनी मांगे है कि जो सेहत है, सेहत से ही सारा कोरोना से लड़ा जा सकता है और इसलिए जिम का शुरू होना अनिवार्य है। किस तरह से इनकी अपनी मांगे है, हम इनसे बात करते हैं। जी, मैं ना मधुर निकले हूँ, मैं मॉन्स्टर फिटनेस स्टूडियो का ओनर हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिम ओपन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इम्यूनिटी जो बढ़ती है वो जिम से बढ़ती है। आप अच्छा डाइट फॉलो करेंगे तो उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, आप वर्कआउट करेंगे तो उससे अपना इम्यूनिटी बढ़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि कोरोना जो पेशेंट है उनके लिए कोई एंटीडोट निकला नहीं है। उनको क्या दे रहे हैं, उनको विटामिन सी, विटामिन डी, D3, विटामिन B12, इसके इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो अगर आप अच्छा डाइट खाओगे, आप प्रॉपर वर्कआउट करोगे तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। ये एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से आप जिम से ओपन करना चाहते होंगे। लेकिन अगर जिम ओपन करते हैं तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ऐसा होगा कि गवर्नमेंट जो भी हमको रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगी उसके हिसाब से हम देखो, जैसे मेरा स्टूडियो जो है वो छोटा है तो उसमें मैं एट अ टाइम 3 लोगों को मैं एंट्री दूंगा और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, प्रॉपर जिम सैनिटाइज करते हुए हम ऐसा पूरा का पूरा प्रोग्राम करेंगे फॉलो। हम लोगों की ये समस्या है कि हम लोगों के जिम रेंट पर है और अभी 2 महीने से हम लोगों ने जिम का शटर नहीं खोल पाए और ना ही कोई कस्टमर आया है। फिर भी हमको रेंट अपने रेंट मालक को हमको देने हैं, तो हम लोग अपने घर का गुजारा और रेंट और इलेक्ट्रिक बिल ये सारी चीज़ें देने में असमर्थ है। तो सरकार से हमारी एक ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द कोई एक इसका उपाय निकाला जाए, जिम खोलने के लिए कुछ परमिशन दी जाए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, और साथ ही साथ हमको बैंकों से कोई सरकारी मदद मिले ताकि हम आगे के कुछ मंथ सर्वाइवल के लिए काट। हाँ, हमने कई एप्लीकेशंस कई ऊपर लेवल पे अधिकारियों को दी है, कलेक्टर साहब को दी है और सभी मंत्रियों को दी है। उनके तरफ से तो जिम खोलने के लिए जो गाइडलाइन है वो बोला है कि हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, और बाकी बैंकों से भी उन्होंने हम लोगों को कुछ मदद दिलाने का आश्वासन दिया। सबसे पहले जो गाइडलाइंस आई जिसमें जिम, मॉल्स, थिएटर्स, शादी के हॉल्स एंड मॉल्स वगैरह को बंद किया गया। मॉल्स वगैरह पे बहुत हाई डेंसिटी में से पॉपुलेशन वहाँ पे एक मॉब में जमा होती है, शादी के हॉल्स वगैरह में जमा होती है, एज वेल एज द थिएटर में सब लोग एक साथ ही जमा होते हैं, तभी कोई भी चीज़ एक्टिविटी वहाँ पर स्टार्ट होती है। बट जिम वैसा नहीं है, जिम में रेगुलरली एट ए टाइम 10-15-20 लोग होते हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए वहाँ पे तो इजीली उस पर वर्कआउट किया जा सकता है, जिम ओपन हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो भी गाइडलाइंस वगैरह हर प्रोटोकॉल जो ग्रीन जोन या रेड जोन वाइज वहाँ पे फॉलोअप करने के लिए दी जा रही है उसके अगेंस्ट में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बस जिम ओपन होने के सपोर्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉपरली सैनिटाइजेशन चेंबर, प्रॉपरली इक्विपमेंट को सैनिटाइज करके आयोडाइज करके वहाँ पे एक्सरसाइज करी जा सकती है। वॉश बेसिन जिमों के बाहर यूज़ करके और सारे ग्लव्स और हैंडकफ्स वगैरह यूज़ करके ये इजीली इसको किया जा सकता है ऑपरेटेड। मुझे मेरा मानना ये है कि COVID-19 के चलते ये बीमारी से अभी हम सारे यूज्ड टू हो चुके हैं और इसका आगे जब तक एंटीडोज नहीं आता तब तक हमें इस बीमारी के साथ रहते हुए इसे सर्वाइव करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब इसका तोड़ नहीं आएगा, वो तो आएगा, मगर जिम इस विषय पे मेरा इतना बोलना है कि एक जिम संचालक के नज़रियों से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो काफ़ी जिम्स इस गंभीर विषय पे काफ़ी मतलब पीछे आ चुके हैं, जिनमें उनका व्यवसाय काफ़ी गति में पिछड़ गया है और रोज़गार
जैसे जिम्स में ट्रेनर होते हैं वहाँ उनका रोज़गार भी मतलब अभी उनको नहीं मिला क्योंकि जिम शुरू नहीं है, ओपन नहीं है, इस वजह से उनके उनकी सारी चीज़ें मतलब पीछे आ चुकी है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी के रोज़गार बहुत ही मतलब बिल्कुल मतलब पर्याय ही नहीं बचा है किसी के पास, काफ़ी लोगों को इससे इसकी प्रताड़ना हो रही है और काफ़ी जिम्स आज के तारीख में बंद हो चुके, कईयों ने अपनी मांगे रखी मगर सरकार पिछले 2 महीनों से इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना के पार्श्वभूमि पर 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया जहाँ व्यवसाय ठप है, वहीं हम यहाँ पर बात कर रहे थे जिम व्यवसायियों के साथ में जिनका भी व्यवसाय इस कोरोना के पार्श्वभूमि पर लॉकडाउन के चलते काफ़ी बंद पड़ा हुआ है। इस व्यवसाय को शुरू करने की मांग इन सभी संचालकों ने की है। देखिए सेहत है तो आगे सब कुछ हो सकता है, इनकी भी यही डिमांड है कि जिम है तो इसे सेहत का भी ख्याल रखा जा सकता है, इसलिए जल्द से जल्द ये व्यवसाय शुरू कर दिया जाना चाहिए। आगे क्या होता है ये प्रशासन पर निर्भर है। वीरेंद्र कोबरागड़े के साथ में रत्नाकर की रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज़।